गाने में हमने बहुत मेहनत की है, एक गाना हमने सूरत में शूट किया, पिक्सो सिटी में, लोकेशन बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगा गाना। लाइट वाइट में लाइटिंग भी थोड़ा अलग किया इसमें हम, इस बार देखने में थोड़ा सबको अच्छा लगेगा। सबको यही बोलना है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। नताशा जी, इस बार क्या चैलेंजिंग था? मुझे तो आदत हो गई है लाइक ये सॉन्ग तो, मतलब लाइक हम हर एक बार ही अलग अलग पैटर्न लेके आते हैं, बट ये ना बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है, और इस बार पे बाकियों से बहुत अलग क्रिएटिविटी हमने इस सॉन्ग पे लेके आए। काफ़ी सारे आपको रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे, लुक्स काफ़ी चेंज है, हमने काफ़ी मॉडर्न और न्यू लुक्स दिए हैं, और दोनों बहुत हार्डवर्किंग है, क्योंकि एक तो भगवान से प्रे कर रहे थे कि बारिश ना हो, ये भी वही सेम पिछली वाली की तरह तो लग जा गले की तरह प्रॉब्लम हुई थी, डेट के इश्यूज हुए थे क्योंकि लोकेशन सिमिलर टाइप वाले थे, पर इन लोगों ने बहुत हार्डवर्क की, बहुत ज़्यादा धूप भी थी, बहुत लाइक काफ़ी टफ था क्योंकि बहुत हार्ड कोर सन था और बीच के एरिया में शूट्स हुआ था, बट सब लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से उठ के सब लोगों का तैयारी करना, और ये लोग टच उठ, दोनों हमारे फीमेल एंड मेल आर्टिस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इन्होंने अपना बेस्ट दिया, आज रिजल्ट आपके सामने में है। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरती से ये गाने को बनाया है, जो हम प्यार से लाइक एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को स्वीट हार्ट ये बोलता है, तो एक दिल जब ढोलता है तो वही हमने प्यार से एक मैसेज दिया है कि जितने भी चाहने वाले कपल्स हैं, अपने गर्लफ्रेंडों को, अपने वाइफ, अपने लाइफ पार्टनरों को दिल से दिल ढोलिया बोल सकते हो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो इस गाने को, और कैलाश प्रोडक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के नोटिफिकेशंस भी नहीं मिलेंगे, और ये गाने को देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और प्लीज़ हम सब लोगों को टैग करना ना भूलें। ज़रूर जो गाना तो हमने गुजरात में शूट किया हुआ है, और जिन्होंने शूट किया ये दोनों वहाँ पे है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, और जो गाने के बोलते ना कि एक्स्ट्रा एड ग्लॉस जो दिया इन दोनों ने दिया हुआ है, ऑरा, एक गाने का ऑरा होना चाहिए, तो इन दोनों पे बहुत परफेक्ट बैठा। जैसे अनमोल मेरा भाई है, और देखा जाए तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कैलाश प्रोडक्शन का जो म्यूज़िक बनाने का जो दौर, जो प्रॉपर स्टार्टअप हुआ था, ये इन दोनों ने मिलके स्टार्ट किया था, तो लाइक ऐसे डिसीजंस हुए थे कि साथ में करते, इन्होंने पहला जो है नजरें मिला जो रिलीज हुआ था, जो आप देखेंगे उनमें डायरेक्टर अनमोल ने किया, तो ये दोनों ने काफ़ी टाइम से बैठ के लाइक ऐसा चीज़ किया था, तो बहुत बड़ा पार्ट ऑफ हिस्सा कैलाश प्रोडक्शन का अनमोल का है, और अब तो लाइक वी वेरी प्राउड ऑफ हिम, डायरेक्टर से प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, तो देन हम चाहते हैं कि हमारा भाई ऐसी तरक्की करता रहे और ऐसे और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना भागीदारी करता रहे। सुशांत और रीना की आवाज़ें हैं, अनमोल क्या कहोगे? सुशांत और रीना भाई, सुशांत और रीना की बात यार बहुत ही अलग है, क्योंकि वो अपकमिंग स्टार्स हैं, सिंग एज अ सिंगर आप देखेंगे उन्हें, तो उनके हमने मोस्टली गाने हमने उनके साथ ही किए, और उनकी आपने वॉइस सुन के आपको खुद को पता है कि उनकी वॉइस कैसी है, लाइक वो हमें बताने की जरूरत नहीं, लाइक आपको खुद आपने फील की है, लाइक सुशांत भाई बहुत फील से गाते हैं, लाइक जो उनके कैटेगरी है ना फ्लो का, वो बहुत अच्छा लेते हैं, तो हम यही है हमारा कि सुशांत भाई यार थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा गाना बनाया था डोलिया, आप देख रहे होगे तो प्लीज लाइक करना। अब वो तो अब हमारे जैसे फैमिली इन हाउस सिंगर्स हो गए हैं, और मैं हमारे कोरियोग्राफर्स और पूरी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत करी है कि कैसे करके चीज़ें खूबसूरत बनाए जाएँ, और जितने भी सब लोग हैं, बहुत बड़ी टीम थी हमारे, पूरी टीम को जिन्होंने लाइक ढोलिया के टाइम पे ऑन सेट पे एक एक पर्सन को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि सब लोग ने अपना इतना 100% और हार्डवर्क दिया, जिसकी वजह से आज ये रिज़ल्ट हो पाया, क्योंकि एक इंसान से इतना बड़ा रिज़ल्ट नहीं होता है, बोलते ना कोई भी चीज़ अगर बहुत खूबसूरत तरीके से कोई भी चीज़ करने के लिए पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, तो थैंक यू टू एवरीवन जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि आज बहुत लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, बट हम उनकी तरफ से और उनको भी ये बोलें कि आप सभी को थैंक यू सो मच, और भोले बाबा की कृपा है हम सब पे कि बस बहुत अच्छे से ये सॉन्ग को आप लोग प्यार दीजिए।
और लाइक इन लोगों ने भी लाइक काफ़ी इन लोगों का जो लुक्स था लाइक अनमोल भाई से एक एक चीज़ के लिए डिस्कस हो रही थी कि दीदी हमें ऐसे करके ये करना है, और मैं हर बार क्रिएटिविटी करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि हम लोग हर गाने में अलग अलग पैटर्न के लुक्स लेके आते हैं और हमें पता है कि आजकल की जनरेशन को कैसे लुक्स पसंद है। आजकल फ्लोई लुक्स पसंद है और टच वुड हमारे आर्टिस्ट इतने दोनों खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं और प्रिटी हैं, तो जितने भी हमने लुक्स दिए तो वो बहुत अच्छे फिट हुए और उन्होंने कैरी भी किया बहुत अच्छे से, तो देन आ लुक्स भी आपके सामने में निकल के आए हैं। पोस्टर में साड़ी भी बहुत अच्छी दिख रही है निशु, क्या कहोगे आप? ये साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, लाइक ये बाकी तो इनको कैसा फील हुआ सनन इनसे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, टच बोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। और साड़ी में मुझे तो लाइक मैं थोड़ा सा फैटी दिखती हूँ, बट मुझे पोस्टर देख के ऐसा लगा कि नहीं, मैं साड़ी में बहुत ज्यादा प्रिटी लगती हूँ। लाइक वी बीन क्रिएटिंग, सडनली मन में आया क्योंकि हमारे एल्बम में कहीं पे साड़ी नहीं है, लाइक सडनली वी आर प्लानिंग क्योंकि सब कुछ न्यू क्रिएटिविटी करते हैं, सब लोग तो वेस्टर्न कपड़े में करते ही हैं। ढोलिया इतना प्यारा सॉन्ग है, फिर लेते क्योंकि हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट भी था कि हम गाने में यूज करेंगे, बट मतलब टाइम की कमी की वजह से और इतने सारे हम लोगों को मतलब लाइक वो करने थे तो हमारा ये एक असर रह गया था जो ऊपर वाले ने हमें मौका दिया पोस्टर पे करने के लिए, तो हमने पोस्टर पे लाइक जितना हो सके उस क्रिएटिविटी को लाइक लेके आए और देन पब्लिक के आगे सबसे पहले वही लुक ही निकल के आया है। अब पीपल्स आर वेरी लविंग इट एंड बस यही चाहते हैं बस। अभी नया गाना कर रहे हैं अपना इसके लिए नवरात्रि के लिए, बाकी तो हर महीने में 5 तारीख को गाना आना ही आना है, इस बार एक दिन लेट हो गया अपना, 6 तारीख को रिलीज हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।